नमस्कार दोस्तों मैं लगातार रोज़ाना आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूं जो कि काफ़ी प्रेरणादायक होती है और जीवन में कुछ कर गुजरे हैं ऐसे लोगों की कहानी में बताता हूं जिन्होंने कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है एक छोटी सी शुरुआत करते हैं लेकिन सफलता उनके कदम चूमती है और वो एक दिन कामयाबी हासिल कर लेते हैं और उसी कामयाबी को जब हासिल करते हैं तो पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है आज मैं आपको चार बहनों की ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि चारों के परिश्रम और उनकी हार्डवर्क और उनका लगन के बल पे आज वो चारों बहने आई और आई हैं एक ही परिवार की कितनी गर्व की बात है और कितनी बड़ी बात है कि एक ही परिवार के चार भाई बहन यू पास करके आई एस आई बन चुके हैं चलिए मैं विस्तार से आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि महज तीन साल के अंतराल में ये चारों भाई बहन आई एस आई बन गए तीन साल के अंतराल में सिर्फ बताता हूँ पूरी संघर्ष की कहानी और पूरी इनकी कामयाबी की कहानी चारों के नाम हैं योगेश लोकेश क्षमा और माधवी ये चार नाम हैं उन भाई बहनों का जिन्होंने इतिहास रच दिया इन सब ने वो कर दिखाया जो संभवतः देश में पहली बार हुआ क्योंकि आई एस आई पी एस तो बनते हुए हमने बहुत लोगों को देखा है बहुत अपने जानकार भी बने हैं परंतु एक ही परिवार के चार भाई बहन शायद ये पहली बार हुआ है और इन चार भाई बहनों ने महज तीन साल के अंतराल में ये मुकाम हासिल किया और इन चारों भाई बहन जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के लालगंज के रहने वाले हैं और ये सभी ऑफिसर अलग अलग जगहों पर तैनात हैं देश में ऑफिसर भाई बहन का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले जेहन में लालगंज के अनिल मिश्रा के बेटे बेटियों का नाम आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बतौर मैनेजर रहे अनिल मिश्रा का परिवार कभी दो कमरों के घर में रहा करता था और आज इनके परिवार में चार चार आई एस आई ऑफिसर हैं चार भाई बहनों में सबसे बड़ा योगेश मिश्रा है अन्य तीन भाई बहनों के भी अफसर बनने की जो कहानी है उसकी शुरुआत योगेश मिश्रा से ही होती है दरअसल 2013 में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने से पहले योगेश नोएडा में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्य कर रहे थे एक कंपनी में और उस समय इनकी दोनों छोटी बहन क्षमा और माधवी श्रमा माफ करिएगा श्रमा श्रमा और माधवी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी मीडिया से बातचीत में योगेश मिश्रा बताते हैं कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले दोनों के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और वो फेल हो गई थी उसके एक दिन बाद मैं बहनों के पास राखी बंधवाने गया और उनके फेल हो जाने पर फिर से मेहनत करने का हौसला बढ़ाया साथ ही मैंने उस दिन यह ठान भी लिया था कि सबसे पहले मैं आई एस बन करके दिखाऊँगा जिससे अपने छोटी बहन भाई बहनों को प्रेरणा दे सकूं और मैं अगली बार बहनों से राखी बंधवाने तभी आऊँगा जब आई एस बनूँगा फिर मैंने आई एस बनने की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में वो आई एस बन गए और योगेश मिश्रा कोलकाता में राष्ट्रीय तोप एवं गोला निर्माण में प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और योगेश के बाद कहानी यहीं से शुरू होती है कि एक कैसे एक भाई ने खुद को अपने आप को प्रेरणा बनाने के लिए पहले खुद को तैयार किया और खुद पढ़ाई करके खुद परीक्षा दे करके आई बन गए इससे परिवार के अंदर जो भी और भाई बहन थे उन्हें एक ऊर्जा मिली उन्हें एक हौसला मिला और उन, उन्हें कुछ कर गुज़रने की एक अंदर से ताकत मिली और उसके बाद योगेश के बाद माधवी ने यू परीक्षा 2014 में बासठवीं रैंक लेकर के बाजी मार ली गई यानी कि पूरे देश में बासठवीं रैंक मिला माधवी को और माधवी झारखंड कैडर की आई बनी केंद्र में विशेष प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में भी वो तैनात रही हैं और उसके बाद भाई लोकेश ने सी एस सी में रिजर्व लिस्ट में अपना नाम भी पाया हालांकि उसे खुद पर भरोसा था और उसने इसे एक और शॉट देने का फ़ैसला किया फिर वो भाई की भी मेहनत रंग लाई और मेहनत ऐसी रंग लाई कि आगे चल करके वो भी आई बन गए उसके बाद नंबर आता है जो दूसरे नंबर की बहन है श्रमा क्षमा कहीं पे श्रमा और क्षमा में कन्फ्यूजन है थोड़ा तो क्षमा का क्षमा मिश्रा का सबसे अंत में नंबर आता है और क्षमा मिश्रा ने भी जी तोड़ करके मेहनत किया और उन्हें अब ये चुनौती मिल गई कि सारे भाई बहन तो आई बन चुके हैं तो अब बारी उनकी थी और उन्होंने भी इसमें अपने कदम पीछे नहीं घींचे और लगातार जीतोड़ मेहनत क्षमा मिश्रा ने भी किया और एक दिन ऐसा आया कि क्षमा भी आई बन गई जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन पूरे परिवार में क्या पूरे गांव में खुशी का माहौल हुआ क्योंकि एक ही परिवार के चार भाई बहन आई बन चुके थे और जो क्षमा है वो कर्नाटका कैडर में है और वो वहाँ तैनात हैं पूरे इलाके पूरे गांव पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात थी और ये एक प्रेरणा थी एक ऐसे भाई के जिसने की जिसने कि कुछ कर गुजारा और कुछ कर दिखाया और सारे के सारे भाई बहन आज आई एस बन अलग अलग जगहों पे तैनात है और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं कहने का मतलब यह है कि अगर इंसान कुछ कर ले कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है और वो मुश्किल हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल हैं ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने कहाँ से उठा और कहाँ पहुँच गए जिसने भी ये ठान लिया कि मुझे अब कुछ करना है मैं कुछ बन करके दिखाऊंगा दिखाऊँगा मुझे व्यापार में सफल होना है या मुझे आईएएस बनना है आई बनना है अपने जीवन में सफल होना है तो अगर लगन पक्की हो अगर मेहनत पक्का हो और इरादा पक्का हो तो आप भी बन सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत को सही दिशा में लेकर के चलने की ज़रूरत है और आपको एक मन में दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है कि आप आगे चल कर के ये बनना चाहते हैं आज बिजनेस में व्यापार में आप अपना नाम एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं या आई बनकर बन के देश की सेवा करने में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अगर दृढ़ निश्चय होगा लगन होगा और आपकी मेहनत सही दिशा में रहेगी तो सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पे सही सोच के साथ सही कदम बढ़ाने की जरूरत है और यही कदम यही दृढ़ निश्चय इन चारों भाई बहन को आई बना ले गया चारों भाई बहन आज आई एस हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी पसंद आई होगी और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें